हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको एक चार्ट के रूप में हम दिखाएंगे आपको, आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना लेना है। थोड़ा सा हिंदी में हो जाएगा तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिखते हुए चलेंगे साथ में। तो देखते हैं, पहले मनुष्यों में पोषण हमारा जो शुरू होता है वो होता है आहार नाल से, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आप लिख लेंगे, इसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल जो है कहाँ से, मुख द्वार से शुरू होती है और एनस गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। ठीक, अब आप देखेंगे कि आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं। आहार नाल के जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट नंबर पे होता है मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एवं बक्कल कैविटी। अब माउथ एवं बक्कल कैविटी के बारे में देखते हैं कि जो मुख गुहिका की छत होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। ठीक, वो क्या कहलाती है, तालू या फिर पैलेट। अब तालू बक्कल कैविटी तथा श्वसन मार्ग को अलग करती है। बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं, और जो रेस्पिरेटरी हमारे जो श्वसन मार्ग है उसको अलग कौन करता है, तालू करता है। ठीक है, अब ये आपको आपके मनुष्य की मुख गुहिका का यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद मनुष्य की मुख गुहिका के भी 3 पार्ट आपको दिए गए हैं। ये कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे होता है दांत, फिर जिह्वा टंग और लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड। तो पहले दांत के बारे में देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, थीकोडंट, हेट्रोडंट, डायफायोडंट। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, गर्त दंती होते हैं, मतलब ये हड्डियों में जाके धंसे हुए होते हैं। विषम दंती मतलब ये मनुष्य में डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डायफायोडंट मतलब एक जीवन में 2 बार निकलते हैं। अब देखते हैं जिह्वा के बारे में, जिह्वा का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। देखिए कि ये कौन सा पार्ट कौन स्वाद को चखने में आपकी मदद करता है, ये पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो आपको बना के दिया, 7 की प्लेलिस्ट में आपको पाया जाएगा, आप इस पर टच करके देख सकते हैं। इसके बाद टंग में देखिए, यहाँ पे बताया गया कि इसका जो ये पिछला भाग होगा, मान लीजिए आदमी इधर को देख रहा है, इसका माउथ इधर को है, तो ये जो इसका पिछला भाग है कड़वे स्वाद को पहचानेगा, यहाँ का जो भाग है तीखा होगा, सबसे फ्रंट वाला जो भाग है मीठे के लिए होगा, और यहाँ पर नमकीन और इधर खट्टा। ठीक, अब आते हैं लार ग्रंथियों पे। लार ग्रंथियाँ हमारी जो हैं मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, और इनके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे अभी। ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, मतलब टोटल हमारे मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, 6 पाई जाएंगी। अच्छा, लार ग्रंथियों के बारे में अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे, अभी आपको देखना है आहार नाल के पार्ट। हम लोग आहार नाल के पार्ट देख रहे थे, नंबर 1 पे हमने देखा मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका, उसके हमने पार्ट जाने। नंबर 2 पे जो आहार नाल का पार्ट होता है वो होता है ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फायरिंग्स। ठीक, फायरिंग्स क्या है, ये मुख गुहिका के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहिका के पिछले भाग को क्या बोलते हैं, फायरिंग्स ही बोलते हैं। जो हमारा माउथ की बक्कल कैविटी अभी मैंने बताया, इसका जो पिछला भाग है उसी को बोलते हैं फायरिंग्स। देखिए फायरिंग्स में पी आता है, ठीक, तो पी से आप लिख लीजिए कि पी एच मिला के हो जाता है फूड। ठीक, इसके बाद मुख गुहिका का जो पिछला भाग होगा उसी में होगा आपका लैरिंग्स। क्या होता है लैरिंग्स, ये एल से शुरू होता है, ये आपका श्वास नली होता है। ठीक, तो आप पी से फूड नलिका आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद फूड नलिका जो है, ये देखिए फूड नलिका नहीं सॉरी ग्रसनी के बारे में देखते हैं। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है, कीप के आकार की नली होती है। ठीक, अब ग्रसनी का जो काम है उसके बारे में देखते हैं, यह वायु व भोजन का सहमार्ग होती है, मतलब यहाँ पर वायु ही जाती है, भोजन भी साथ में, दोनों निकल सकते हैं, साथ में नहीं लेकिन दोनों निकलते हैं। यह बोलते समय आवाज़ की गूंज उत्पन्न करने में सहायता करती है, कौन, फायरिंग्स। ठीक, अब फायरिंग्स के बाद हमारा जो आहार नाल का जो भाग है वो है ग्रसिका या फिर ग्रास नली, ईसोफेगस। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, यह पतली संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली है। ठीक, अब निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग तथा ग्रास नली में खुलती है, जिससे भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। अब आते हैं आहार नाल के चौथे पार्ट, जिसका नाम होता है स्टमक आमाशय, या लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसका डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, ये जे का आकार का होता है। चलिए एक बार इसके डायग्राम को जरा देख लिया जाए।
इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आहार नल के पांचवें भाग पे, फिफ्थ भाग पे, जिसको बोलते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ कहने के लिए स्मॉल है, ये लंबाई में बड़ी आंत से लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी, जहाँ पर भोजन को मुख्य रूप से पचाया जाता है। इसमें कुछ विलाई पाई जाती हैं। विलाई का काम क्या होता है, भोजन को एब्जॉर्ब करना। मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, ऐसे बनी है, ठीक। तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे विलाई बनी हुई होती हैं जो भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं छठे भाग पे, बड़ी आंत या वृद्धांत पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये आहार नाल का अंतिम पार्ट है, यह 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नलिका होती है। इसमें पचे हुए शेष भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आहार नाल के 6 पार्ट थे, उनके बारे में हमने देख लिया। ये पूरा आप ऐसे ही चार्ट के टाइप में बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड, मनुष्यों में पोषण के लिए जो पहली चीज़ थी वो थी आहार नाल। सेकंड पे आता है कुछ पाचक ग्रंथियाँ। अब वो पाचक ग्रंथियाँ कितने टाइप्स की होती हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे लार ग्रंथियों के बारे में। तो मनुष्यों में जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उन पर नंबर फर्स्ट पे आती हैं लार ग्रंथियाँ, यानी सैलावरी ग्लैंड्स। तो इनके बारे में देखते हैं, ये प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण करती हैं, मतलब 1.5 लीटर जो लार है उसको सिक्रेट करती हैं। कौन, हमारी जो टोटल लार ग्रंथियाँ हैं। तो अब कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ हैं, नंबर फर्स्ट पे आती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड पे आती हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, थर्ड पे आती हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक। इसके बाद हमारी जो सेकंड नंबर पे ग्लैंड्स होंगी, ये होंगी आमाशयी या जठर ग्रंथियाँ, स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की ये भी हैं। कौन कौन सी, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पायलोरिक ग्लैंड्स, ठीक। अमाशय की दीवार में, यानी कि ये जो आपने अमाशय का डायग्राम यहाँ पे देखा था, इसकी दीवार में, अंदर की तरफ से दीवार में ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका क्या क्या नाम होता है, कार्डियक ग्लैंड्स और फंडिक ग्लैंड्स और पायलोरिक ग्लैंड्स, ठीक, पायलोरिक। इसके बाद आता है हमारा यकृत, लीवर। लीवर का एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आएगा लीवर के लिए, कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आप बताएंगे यकृत या फिर लीवर। या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है, मतलब 1.5 किलो होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में यकृत का भार ये बताया जाता है। हर मनुष्य में 1.5 किलोग्राम का भार नहीं होता, छोटा बड़ा भी होता है, एक ही उसका औसत बताया गया है। अब देखते हैं लीवर के काम, लीवर के बहुत सारे काम हैं, तो आप लाइन से देखते हुए चलेंगे। नंबर ए पे आता है, फर्स्ट पे आता है पित्तरस का श्रावण, बाइल जूस का श्रावण करता है लीवर। बाइल जूस का श्रावण तो करता है, सिक्रीशन करता है, लेकिन उसको स्टोर कौन करता है, गाल ब्लेडर करता है। लीवर के जस्ट नीचे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लीवर बना हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पे थैली नुमा, जैसे गुब्बारे में आप पानी भरते हैं होली में, तो जिस तरीके का गुब्बारा बन जाता है उसी प्रकार का गाल ब्लेडर एक होता है, उसमें उस बाइल जूस को संचित किया जाता है, रखा जाता है, जिसका काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करना, ठीक। इसके बाद आता है हिपेरिन, हिपेरिन जूस का सिक्रीशन करता है आपका लीवर, ग्लाइकोजन का संचय करता है। देखिए लीवर खुद के द्वारा बनाए गए बाइल जूस का सिक्रीशन नहीं करेगा, लेकिन हमारे फूड में जो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास संचित कौन करता है, हमारा लीवर। और लीवर का एक और काम होता है वसा का संश्लेषण, फैट का फैट सिंथेसिस करना, ठीक। और एक और काम उसका बताया गया है, पित्त वर्णक का उत्सर्जन करना, ठीक। ये इसके कुछ काम थे, और यहाँ पे नीचे भी कुछ दिए गए हैं, यूरिया का संश्लेषण करना और रुधिर का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ब्लड। मान लीजिए आपकी कहीं पे चोट लग जाती है तो 2 मिनट तक खून बहता है, उसके बाद में वो खून बहना बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रुधिर का थक्का जम जाता है, ब्लड का क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड नहीं बहता। तो ये काम लीवर में, लीवर इस काम में हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग देख रहे थे अभी पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने देखा इसमें नंबर फर्स्ट पे लार ग्रंथियाँ, नंबर सेकंड पे स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर थर्ड पे लीवर देखा, नंबर फोर्थ पे हम लोग देखते हैं गाल ब्लेडर। तो अभी मैंने गाल ब्लेडर के बारे में आपको बताया कि यकृत के लीवर के जस्ट नीचे पेशी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसका मैंने काम भी आपको बता दिया कि लीवर से जो
बाइल पिगमेंट निकलेगा उसका संचय उसको एकत्र करना किसका काम होता है, गाल ब्लेडर का। ठीक, गाल ब्लेडर अपना कुछ भी क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ एक स्टोरेज टैंक के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारी जो एक और ग्रंथि है, अग्नाशय पैनक्रियाजिया, या 12.15 मतलब 12.15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं कुछ आंतरिक ग्रंथियों पे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पे। छोटी आंत की श्लेष्म कला में कई प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये बताया जा रहा है कि जो हम लोगों ने अभी इंटेस्टाइन ऊपर पढ़ा है उनमें भी कई प्रकार की ग्लैंड्स अंदर पाई जाती हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। ऐसे मान लीजिए ग्लैंड्स है तो इसके ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स आपकी पाई जाएंगी। ठीक, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। आप इसी तरीके से इस पूरे चार्ट को बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे बच्चों जो साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे बनाते हुए चलिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी इसमें नया मिल रहा है तो आप उसमें ऐड करते जाइए, और डायग्राम जहाँ पे जो आपको बनाना सही लगता है वहाँ पे बना लीजिए।